नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, एक नजर डालते हैं देश प्रदेश की हेडलाइंस पर। ऊना जिले को मिलेगा राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए 2022 के पुरस्कारों की कर दी घोषणा। 24 अप्रैल को जम्मू के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे पुरस्कार। पुरस्कारों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार भी शामिल। योगी आदित्यनाथ सरकार अब यूपी में एक जिला एक खेल योजना पर कर रही है विचार। ODOP योजना की शानदार सफलता के बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू हो रही है योजना। योजना शुरू करने की मुख्यमंत्री के उद्देश्य देसी खेलों को बढ़ावा देना। बड़ी नदियों के तट पर स्थित जिलों के लिए जल खेल योजना होगा एक महत्वपूर्ण पहलू। योजना का उद्देश्य खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रतिभाओं का सम्मानित करना। मुख्यमंत्री धामी ने चिपको नेत्री गौरा देवी के बेटे को सौंपा 5 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान पुष्कर सिंह राणा, स्वर्गीय गौरा देवी के सुपुत्र सोहन सिंह राणा, एसएन रावत, प्रेम सिंह राणा आने रहे मौजूद। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वविख्यात चिपको आंदोलन के सूत्रधार स्वर्गीय गौरा देवी को वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड की सरकार की ओर से उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। आवास योजना के लाभार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा भावुक पत्र। प्रधानमंत्री ने भी जवाब में कही दिल छूने वाली बात। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन ने मोदी को लिखे पत्र में आवास योजना को बेघर गरीब परिवारों के लिए बताया वरदान। प्रधानमंत्री ने जवाब में लिखा मकान सिर्फ ईंटें और सीमेंट से बना ढांचा नहीं, इसके लिए हमारी इसके साथ भावनाएं और आकांक्षाएं भी होती हैं जुड़ी। घर की चार दीवारी न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि एक बेहतर कल का विश्वास भी दिलाती है। IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर ने कर दिखाया असंभव सा काम। बिना रुके 7 घंटे 30 मिनट में तय किया 1910 किलोमीटर का सफर। चंडीगढ़ के असम के जोराहट के बीच की दूरी को सफलतापूर्वक किया तय। भारत में सबसे लंबी नॉनस्टॉप हेलीकॉप्टर यात्रा किया चिनूक हेलीकॉप्टर। भैया इस बैग जमानत पर लौटे दुष्कर्म के आरोपी के पोस्टर से नाराज। कोर्ट ने कहा भैया को संभाल कर रखो। आरोपी छात्र नेता की जमानत का स्वागत करते हुए तमाम पोस्टर और होर्डिंग में लिखा गया भैया इस बैग। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत पर रिहाई के बाद खुशी मनाने के लिए लगाए गए पोस्टर। ध्यान आकृष्ट किए जाने के बाद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से कहा अपने भैया को इस हफ्ते तक सतर्क रहने को कहना। और त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे का मंगलवार को तीसरा दिन एक ट्रॉली में फंसे 4 लोग। तीसरे दिन 4 घंटे से ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 2 ट्रॉली में फंसे 10 लोगों को निकाला। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में लगी चोट। 2 दिन में 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घटना में 3 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत जबकि 12 हुए हैं घायल। खारगोन रामनवमी में निकले जुलूस पर पथराव और टकराव के बाद खारगोन में हालात तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने 35 मकान और दुकानों पर चलाया बुलडोजर। 84 दंगाई हिरासत में कई आरोपियों पर हुई जबरदस्त कार्रवाई। राजस्थान के सीकर जिले के नैनवा थाना इलाके में 3 दिन पहले शादी में हुई हर्ष फायरिंग के मामले में पकड़ा गया दूल्हा। थाने से लगा रहा गुहार मेरी शादी है छोड़ दो मैडम। दूल्हा संग्राम सिंह अपनी शादी के लिए है बेताब। बार बार थाना अधिकारियों से अपनी शादी के लिए लगा रहा गुहार। पकड़े गए आरोपी से अन्य शामिल बरातियों और हथियारों के बारे में आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। दुकान के सामने पानी डालने और झगड़े का वीडियो बनाने वाले को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर बिलासपुर चित्तौड़ थाने में हुई घटना। योगेश चावला और जगदीश सावत के अलावा महिलाओं के बीच भी हुई थी जमकर मारपीट। इंदौर शहर के व्यस्त MG रोड पर निगम की कार्रवाई शुरू। शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। शिवाजी कार पार्किंग के पीछे अप्रोच रोड बनाने के लिए बाधक बने अतिक्रमण। 3 शेड की मदद से बनी दुकानों और झोपड़ियों को हटाया। विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए UGC ने बदले नियम और छात्रों को CET की जगह देना होगा कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट जिसके माध्यम से छात्रों को मिल सकेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश के खारगोन में रविवार को हुई हिंसा के बाद भले ही अब हालात हो सामान्य लेकिन अभी भी प्रतिबंध जारी। मंगलवार को भी शहर में रहा कर्फ्यू। दूध जैसी जरूरी सेवाओं को भी कर्फ्यू में छूट नहीं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचे खारगोन। पत्रकार ने पूछा किस कानून के तहत तोड़े गए मुस्लिमों के घर तो फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दिया जवाब। कहा वही कानून जिसके तहत उन्हें पत्थर सोडा बोतलें फेंकने हाथ गोले आदि फेंकने की होती है अनुमति। मध्य प्रदेश में आग उगल रहा सूरज। प्रदेश में 28 जिलों में पारा 40 के पार। हीट वेव का अलर्ट। सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो और भिंड में किया गया दर्ज। भोपाल रीवा शहडोल जबलपुर सागर संभाग के जिलों में सामान्य से ज्यादा गर्म। मंगलवार को रीवा छिंदवाड़ा उमरिया जबलपुर सतना सागर सीधी
टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, छतरपुर, धार, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, भिंड, खंडवा, खारगोन, नीमच, रतलाम, अशोकनगर और मंदसौर में लुक का येलो अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री आवास पर आपात बैठक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। रामनवमी पर खारगोन में फैली हिंसा पर सियासत जारी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा एक धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहराने की फोटो ट्वीट करने के मामले में शिवराज सरकार ने लिया गंभीरता से। सीएम शिवराज ने कहा, ट्वीट की गई फोटो मध्य प्रदेश की नहीं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई के दिए संकेत। भैंस खा रही बाघिन को सोशल मीडिया पर लाइव करने के बाद फंसे कांग्रेस पार्षद, नोटिस जारी। रणथंभौर अभ्यारण की बाघिन T107 को परेशान करने का मामला आया सामने। कांग्रेसी पार्षद ने वन विभाग के क्षेत्र में रात में भैंस को खा रही बाघिन का वीडियो बनाने के लिए वाहनों की लाइट जलाकर किया था परेशान। कांग्रेस पार्षद फुकरान अली को वन विभाग ने जारी किया नोटिस। मानसिक रूप से बीमार महिला ने पोते पोती के साथ कुएं में लगा दी छलांग। दादी सहित तीनों की हुई मौत। राजस्थान के सिरोही जिले में हुई दिल दहला देने वाली घटना। कलंदरी थाना इलाके के रुड़की गांव निवासी 65 वर्षीय महिला ने अपने पोते और पोती को लेकर कुएं में लगाई छलांग। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश में भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगा मेडिकल कॉलेज और फर्नीचर क्लस्टर। भूमि पर गरीबों के आवास के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना। मेडिकल कॉलेज उज्जैन के लिए 12 एकड़ और औद्योगिक विकास के लिए 40 एकड़ भूमि दी जाएगी। वहीं इंदौर में 50 एकड़ भूमि फर्नीचर क्लस्टर के लिए आवंटित होगी। जबलपुर में 25 एकड़ भूमि स्व सहायता समूह के एग्रो पार्क की स्थापना के लिए देना हुआ प्रस्तावित। जबलपुर में बजरंगबली को प्रसाद के रूप में चढ़ेगा 1100 किलो का मोती चूर लड्डू। जबलपुर के मणा स्थित पंचवटी मंदिर में हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा 1 टन से अधिक किलो का लड्डू बनवाकर बजरंगबली को किया जाएगा अर्पित। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने देवसर जनपद पंचायत के PCO रुक्मणी कांत द्विवेदी को 5000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सांप्रदायिक तनाव पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला। बीजेपी नेताओं पर किया पलटवार। खारगोन हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार। धर्म देखकर कार्रवाई करना असंवैधानिक। सीतामढ़ी में स्कॉर्पियो में 3 मजदूरों को कुचला, जो कि घटना स्थल पर मौत। तीसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। बिहार के सीतामढ़ी में हुआ दर्दनाक हादसा। जेलर के केबिन में NSUI नेता से मिले दिग्विजय सिंह, हुआ बड़ा एक्शन। कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में ग्वालियर जेलर मनोज साहू हुए सस्पेंड। मनोज साहू के केबिन में जेल में बंद हत्या के प्रयास में आरोपी NSUI नेता से की थी मुलाकात, जिसका वीडियो हुआ था सोशल मीडिया में वायरल और मनोज साहू को किया गया सस्पेंड। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।